बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको परेशान करते हैं, और जब आपकी बात नहीं सुनते बच्चे तो आपको लगता है बच्चे जिद्दी हो गए। तो हम आज बात करेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगे, और अगर बच्चे जिद्दी हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो बात कैसे माने। तो चलिए पहले थोड़ा जिद्दीपन खत्म करते हैं। कई बच्चे जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए कुछ खास टिप्स आपको देती हूँ, जिससे आपकी मुश्किलें काफी कम हो जाएंगी। बच्चों को साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर सिर करकर सुलाएं, इससे उनके अंदर चिड़चिड़ापन खत्म होता है। बच्चों के कमरे में मिरर ना लगाएं, अगर हो तो ढककर रखें। मिरर में अगर बच्चे को दिन भर अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है तो ईगो डबल हो जाती है। इसके साथ में बच्चों को अंधेरे में नहीं सुलाना है, 0 वॉट का बल्ब जलाकर सुलाना है। रोज बच्चों को अपने हाथ से शहद चटाएं। आप में ये रीत है कि नहीं पता नहीं, पर बहुत सारे कल्चर्स में जब बेबी का बर्थ होता है तो जिस इंसान के जैसा बच्चे को बनाना होता है वो इंसान बच्चे की टांग पर हनी चटाता है। आप ये काम डेली कर सकते हैं, और अगर आप ये काम 40 डेज तक करते हैं और एक ही कंसिस्टेंट आदमी करता है, जैसे मदर कर सकती हैं, तो बच्चे के नेचर में उनके जैसे चेंजेस आ सकते हैं। बच्चों को काले कपड़े कम से कम पहनाएं। ब्लैक कलर चीज़ों को ढकता है, छुपाता है, तो अगर आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा कुछ छुपाते हैं तो ब्लैक कलर अवॉइड करें। सोने से पहले बच्चे को गले लगाएं और सुबह सिर पर हाथ फेरें। आपका टच बच्चे के अंदर सॉफ्टनेस और एक हम बोलते हैं बॉन्डिंग को डेवलप करता है। तो चाहे आपके बच्चे किसी भी साइज के हों, किसी भी एज के हों, उन्हें हग करना रात को सोने से पहले ना भूलें। फिर से आपको बताने वाली हूँ आपका लकी टाइम क्या है। उस लकी टाइम पर जो भी चीज इनिशिएट करेंगे वो फ्रूटफुल जरूर होगी। इस बारे में आपको बताती हूँ, पर पहले बच्चों का पढ़ाई में मन लगाते हैं। स्टडी रूम में माँ सरस्वती की तस्वीर रखें। पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले तस्वीर के सामने गुलाब की 3 अगरबत्ती जलाएं। अब पूरी तस्वीर के चारों ओर 7 बार आप अगरबत्ती घुमाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और फिर पढ़ाई में जुट जाएं। अपने बच्चों को भी यही रिचुअल की आदत डालें। ऐसा करने पर माँ सरस्वती की कृपा उन पर जरूर होगी। बच्चों का ये चक्र, आज्ञा चक्र एक्टिव होगा और वो जो भी पढ़ेंगे उनका पढ़ाई में मन लगेगा। विंटर्स आ रही हैं और विंटर्स में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा मिलती हैं। कुदरत भी कुछ चीजों को ऐसे बनाता है जो सही समय पर हमको मिल सके। हरी सब्जियां जरूर खानी है। क्यों खानी है, पालक से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताऊंगी। अगर आपकी फैक्ट्री है या आपके घर में आपको लगता है चोरी बहुत होती है, जरूरी नहीं है चोरी पैसे और गोल की हो। कई बार छोटी छोटी चीजों की भी चोरी इरिटेट कर देती है कि सामान गया कहाँ। स्टाफ पर शक आता है लेकिन बोला नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपको बताती हूँ कि वास्तु के नियम से कैसे आप ये चीजें रोक सकते हैं। मगर इससे पहले, जो ये मौसम बदल रहा है, आपको हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए ये बताती हूँ। मौसम बदल रहा है, सर्दी धीरे धीरे पैर पसारेगी, तो ऐसे में अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताती हूँ कि पालक आपकी हेल्थ का ख्याल कैसे रखती है।